नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी बैंक पर। जी हां दोस्तों, अगर आपने भी D++B में MTS का फॉर्म अप्लाई किया है या फिर आप MTS का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो काफी सारे अभ्यर्थियों के मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि इस भर्ती में लगभग कुल कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं, कितना में कंपटीशन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा। कंप्लीट जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिरकार किन किन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए बिना छोड़े अंत तक आप जरूर देखेगा। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि दोस्तों D++B से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहते हैं। वहीं पर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं और कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, ताकि दोस्तों हम आपको बता सके कि आपको इसमें कितना कंपटीशन देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों आप भी D++B में भर्ती होना चाहते हैं और एक अच्छी बुक की तलाश कर रहे हैं तो हम आपके लिए लेकर गए चक्षु प्रकाशन की स्टडी रिलेटेड गाइड, जो कि दोस्तों नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है। और दोस्तों बात करें तो सभी वैकेंसीज को आपकी कवर करने वाली, चाहे वो TGT PGT की वैकेंसी हो या फिर स्पेशल एजुकेशन की वैकेंसी हो, चाहे वो कोई सी भी वैकेंसी हो, D++B की सभी वैकेंसीज को आपकी स्टडी रिलेटेड गाइड कवर करने वाली है। और सबसे अच्छी खास बात इस बुक की है कि दोनों लैंग्वेज में आपको मिलने वाले, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो या फिर इंग्लिश लैंग्वेज हो, इसमें आपको 4500 से ज्यादा क्वेश्चनों का संग्रह देखने को मिलेगा। यहां पर आप इसकी विषय सूची वगैरह सारी चीजें यहां पर आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों कई अभ्यर्थी प्रैक्टिस सेट के बारे में पूछते रहते हैं, तो दोस्तों चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च हो चुका है, जो कि दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको 2000 से ज्यादा क्वेश्चनों का संग्रह देखने को मिलेगा और दोस्तों ये भी आपको दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। अगर दोस्तों आप भी इसे परचेज करना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक प्रोवाइड करवा रखा है, बिना देरी के अभी जाकर के इसे आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को आप मजबूत बना सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि आखिरकार इस भर्ती में कुल कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कई अभ्यर्थी बहुत परेशान हो रहे हैं कि सर 4 लाख फॉर्म भरे जाएंगे, तो कई बोल रहे हैं कि सर 10 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कि DSSB में जेल वार्डन की वैकेंसी आई थी, मेट्रोन की वैकेंसी आई थी, उसके बारे में भी यही संभावना थी कि लगभग 4 लाख 5 लाख के आसपास फॉर्म देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों फॉर्म देखने को मिलते हैं 1.5 लाख के आसपास में। तो दोस्तों आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि इस भर्ती में कितने कम फॉर्म भरे जाएंगे। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, वैसे RTE हमने D++B में MTS की वैकेंसी के लिए लगा दिया कि इस भर्ती में कैटेगरी वाइज कितने कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं, उसका रिप्लाई मिलते ही हम आपको तुरंत सूचित कर देंगे। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको एक्सेप्टेड फॉर्म बता देता हूं, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपको इस भर्ती में 2 लाख से ज्यादा फॉर्म देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों पहली बात तो यह आती है कि दिल्ली से इतने फॉर्म अप्लाई नहीं होते, दूसरी बात यह आती है कि अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट अगर फॉर्म अप्लाई करता है तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होता है और उसे जनरल की कट ऑफ मेरे दोस्त फाइट करनी पड़ती है, तो उसे नंबर भी अच्छे खासे लाने पड़ते हैं। इसलिए दोस्तों जो भी अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे बात करें अदर स्टेट का कोई भी कैंडिडेट है OBC का, तो वो जनरल कैटेगरी में काउंट होता है, जबकि SC ST के कैंडिडेट उसी कैटेगरी में काउंट होते हैं अपनी कैटेगरी में। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी में इसमें कंपटीशन थोड़ा सा अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। बाकी दोस्तों बात करें OBC कैटेगरी में कंपटीशन इसमें ना के बराबर रहता है, SC ST कैटेगरी में भी इसमें कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलेगा। और अगर आपने लगभग 120 के आसपास भी स्कोर कर लिया तो आप फाइनल सिलेक्शन इसमें उठा सकते हैं और एक बहुत ही बेहतरीन नौकरी है। जी हां दोस्तों, आरामदायक नौकरी है, मजे से आप अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, बहुत ही अच्छी नौकरी से माना जाता है। तो दोस्तों RTE का रिप्लाई मिलते हम आपको तुरंत सूचित कर देंगे। बाकी दोस्तों आप तैयारी करते रहिएगा, टाइम वेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बहुत जल्द आपको इसकी एग्जाम भी देखने को मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि अगले साल फरवरी तक दिल्ली में चुनाव होने, तो चुनाव से पहले वैकेंसी कंप्लीट करवाई जाएगी, क्योंकि वैकेंसी के तहत ही आपके चुनाव जीते जा सकते हैं, लोगों को लगता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बाकी RTE का रिप्लाई मिलते हैं आपको सूचित कर देंगे। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।